Assalamualaikum. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अभी लाकी मटन खुरमा बनाने जा रही हूँ. ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी है, इजी तरीके से मैं अभी बताने जा रही हूँ. मटन को अच्छे से धो के साफ कर लिया है मैंने. अब इसमें डाल रही हूँ 1.5 किलो मटन है. इसमें एक तेज पत्ता डाल रही हूँ. इसमें बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी. इसमें हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बस. अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ. मिक्स करके इसको लिड लगाती हूँ. लिड लगा के 2 से 3 सीटी आने तक रखती हूँ इसको. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए अभी मैं गोश्त निकाल रही हूँ, इसका लिड निकाली हूँ. देखिए अच्छे से गल गया है. अब इसमें मैं निकाल लेती हूँ. इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाल रही हूँ, 1 कप कोकोनट डाल रही हूँ. एक बॉल है ये, 1 बॉल कोकोनट, 3 ग्रीन चिल्ली है ये, इसे कट कर ली हूँ मैं, 2 लौंग, 1 हरी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक्स, 1 टीस्पून सौंफ, ये बारीक सौंफ है, छोटे वाला सौंफ है, ये भी खा सकते हैं. ये ज़ीरा है, 1 टीस्पून ज़ीरा. ग्राइंड कर लेती हूँ. और ये मीट मसाला है, 2 टेबल स्पून मीट मसाला. और ये होममेड गरम मसाला है, 1 हाफ टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन पाउडर है ये. ये अच्छे से भून लेंगे हम. लौकी डालते ही ना लौकी पानी छोड़ेगी, इसीलिए इसको बाइंड करेगा वो. और एक बड़ा बोल टमाटो है. चावल भी पक रहे हैं यूवर्स, राइस बना रही हूँ मैं आज. अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ. देखो यूवर्स, अभी मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ. थोड़ा कम ऑयल में पका रही हूँ, ये थोड़ा हेल्दी रहेगा, इसीलिए स्टोव स्टार्ट करती हूँ. अब इसमें बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा लो फ्लेम पे रख लेती हूँ. बेसन डाल के इसे अच्छा से भुनेंगे. ऑयल में ऐसा भुनना है इसको, अच्छा भुनेंगे तो ऐसा इसका कच्चा स्मेल जाएगा और सुगंधी स्मेल आएगा इसका. इसमें से कच्ची स्मेल चले जाती है ऐसा अच्छे से भुनने से. इसको स्लो फ्लेम पे रख लेना. बहुत अच्छी डिलीशियस है ये रेसिपी, आप ट्राई करके देखो. ये बस बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना. अब 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा फ्लेम बढ़ा लेते हैं. इसको भी थोड़ा अच्छे से भून लेती हूँ. ऑयल में बहुत कम डाला है क्योंकि मटन में भी थोड़ा चिकनाई रहती है ना उसे. और थोड़ा मटन का शोरबा डालती हूँ इसमें, थोड़ा डालना बस मिक्स करने के लिए, थोड़ा डालूँगी. और मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया था ना, वो डाल रही हूँ. ये मीट मसाला है, 2 टेबल स्पून आप बताई थी ना मैं. 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला 1 टीस्पून और गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला मैं बनाई हूँ ना वो बना मसाला है ये. सूखे मसालों को डाल देती हूँ. बहुत ही लजीज बनेगी वर्स, ये बना के देखिए रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी. आपके मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये रेसिपी, बनाओ अच्छी सी बनाओ अच्छी सी बनाओ बोल के. इसीलिए मेरे बच्चों की ख्वाहिश रहती है, मैं उनके लिए मैं बना लेती हूँ घर पर. ये अपनी पसंद से बना रही हूँ, अपनी पसंद के मसाले डाल के बना रही हूँ. अभी मटन को डाल लेती हूँ. शोरबा से मत डालती हूँ, तेज पत्ता है ना वो निकाल देती हूँ मैं. इसको बोल में थोड़ा साफ करके डाल लेती हूँ बाद में. इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, मसाला अंदर तक जाएगा, अच्छे से भून लेंगे. मेथी भी डालती हूँ, ये एक अच्छी मेथी की भाजी है, मेथी भाजी बोलते हैं इसको. ये एक गड्डी है, ये
पूरा एक गड्ढी है ये, और ये हरा धनिया है, ये बाद में डालूंगी। अभी डालने से ये वर्ष ये कड़वा हो जाएगा, ये थोड़ा कसाला हो जाएगा, उसीलिए ये बाद में डालती हूँ। गोश्त में भी नमक डाला था मैं मटन में, और इसीलिए इसे हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको बंद करती हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट इसको बंद करके पकाती हूँ। 2 से 3 सीटी तक रखूंगी ये, उसके बाद में इसको खोल के लौकी डालेंगे। देखिए ये वर्ष अभी मैं लेट निकाली हूँ, देखिए ये अच्छे से थोड़ा पका है। अभी मैं इसमें दही मिक्स करती हूँ, ये एक बॉल दही है। मटन लौकी खुरमे को दही लास्ट में डालना है, इसको अच्छे से साफ करके डालती हूँ। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। टमाटर प्यूरी 1 बॉल डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके 1 सीटी आने तक उसको बंद करूँगी। बंद करके इसको लौकी डालना है। देखिए ये बस ये अच्छे से इसको छील के पील करके इसको कट कर लिया है मैंने, इसको थोड़ी देर बाद डालूंगी। थोड़ा जार का भी पानी बचा था ना, वो भी इसको मिक्स करके डालती हूँ। और मेथी की भाजी है ये, एक कट्टा लिया था मैंने गड्ढी, इसको थोड़ा कट करके डालेंगे। फर्स्ट नहीं डालना ये वर्ष, इसको लास्ट में डालना, लौकी के साथ इसको डालना है। लौकी में पानी छूटता है ना, उसीलिए इसमें भुना हुआ बेसन डाली थी ना, फर्स्ट में डाली थी ना वो, अभी लौकी डालती हूँ। 6 से 7 मेंबर तक आराम से खा लेते हैं इसमें, बहुत मज़े का है ये वर्ष। इसको हरा धनिया भी डाल देती हूँ, बड़ा बड़ा कट करके डालती हूँ मैं, बहुत अच्छा बनेगा ये वर्ष। अभी आपके घर में ट्राई करके देखो, मेरे को कमेंट में बताना ये वर्ष ये रेसिपी आप मेरे आपको कैसी लगी बोल के। आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, भाई लोग को, सबको पका के खिलाइए। इसमें थोड़ा पानी डाल के लौकी गलने तक रखती हूँ, थोड़ा चख लेती हूँ ये वर्ष। थोड़ा नमक डालना है इसको, नमक डाल के बंद करके रखती हूँ। इतना सा डालेंगे, थोड़ा सा लौकी गलने तक इसको बंद करती हूँ, बाद में इसको डिश आउट करेंगे। देखिए राइस भी पक गया है, दोपहर का थोड़ा राइस बचा था मैं वो भी डालती हूँ, वेस्ट नहीं करना ना व्यूवर्स, इसीलिए अब ये राइस के साथ ही खाएंगे। व्यूवर्स अभी सब लौकी मटन खुरमा पक के तैयार हो गया है, अभी मैं डिश आउट करती हूँ। स्टोव मैंने बंद कर दिया है। देखिए पक्के तैयार हो गया है मटन लौकी खुरमा, देखिए बहुत ही टेस्टी हुआ है व्यूअर्स। आप आपके घर में पका के देखिए, ये है लौकी, अच्छे से गल गई है, देखो अच्छे से गल गई है, और मटन भी अच्छे से गल गया है, देखिए अच्छे से गल गया है। ये भी छोटे छोटे पीस करी थी, और लौकी इसमें डालने से बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगी व्यूअर्स। और दही भी मेथी लास्ट में डालना चाहिए, थोड़ा मटन गलने के बाद में लौकी डालना चाहिए। और आपके घर में ट्राई करके देखिए व्यूअर्स, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, और कमेंट में बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो व्यूअर्स। और दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।